कुंडली भाग्य। मैं जानती हूं कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे। इसीलिए जानकी आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है। इनके कंधे से किचन के बाजू में एक स्टोर रूम है, इसे जाके स्टोर रूम में फेंक देते हैं और फिर आग लगा देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। That's how I feel, bro. प्रीता अरोड़ा, खाना तो आज मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, खुल्लम खुल्ला सबके सामने। फिर देखता हूँ तुम्हारा वो डबल फेस पृथ्वी क्या कर लेता है मेरा। इससे पहले कि और कोई देख ले इसे जल्दी से ठिकाने लगा लूंगा। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। समझ नहीं आ रहा है प्रीता ने पृथ्वी को अपने लिए कैसे चुन लिया। उसे तो कोई भी मिल जाता है। कोई भी क्यों, उसके आसपास अच्छे लड़कों की कमी है क्या? उन लड़कों में से किसी से भी पूछती तो हाँ कर देता। आग 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 लग गई, किचन के अंदर आग लग गई है। आप सब लोग ठीक हैं? बुआ दादी चलो यहाँ से निकलो बस। प्रीता प्रीता ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। मैं आ रहा हूं। महेश जी ले लीजिए ये खाली वाली बाल्टी। क्या आपको ये सब कुछ सही लग रहा है? इस तरह सबकी जान जोखिम में डालना, वो जान का खतरा है। मैं ऐसा कतई नहीं चाहती कि किसी की भी जान को खतरा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। फिर आपने जो भी मुझसे कहा है वही बात आपको सबसे कहनी होगी और जोर लगा के, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रही हूँ, लेकिन अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए कौन नहीं सेल्फिश फील करता। आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, बल्कि जो कुछ आप कह रही है वो एक समझदारी की बात है। ऐसा करिए आप सब लोगों को बुलाइए, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी सब यहाँ चले जाएं। प्लीज बुलाइए। ठीक है मैं सबको बुला लेती हूँ। जी जी बुला लीजिए। रू कृतिका मॉम भाभी मॉम ग्रेट आप भी आ गए, भाभी जल्दी आती हूँ। समीर भैया चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। करण और ऋषभ को ढूंढो, करण और ऋषभ का है। काफी देर से मैं देख रही हूँ दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं है। कहाँ है फिर, ढूंढो उन्हें। करण और ऋषभ का किसी ने देखा? करण सर और ऋषभ जी दी को बचाने गए अंदर। व्हाट अंदर अंदर क्या है? भाई साहब ये ले लीजिए। तुम चाहती क्या हो? हमारे घर के दोनों बच्चे अंदर गए हुए, किसे बचाने? तुम्हारी प्रीता को बचाने हुए। हमें भी तो आग से खतरा है, लेकिन नहीं बचाया जा रहा है तुम्हारी प्रीता को। I'm telling you, अगर ऋषभ और करण को कुछ हुआ ना, let's pay you। दीदी आप ऐसे हालात में कैसी बातें कर रही हो? इसमें सरला जी का क्या कसूर? अभी आप तो छुपी बैठी, मेरी बात न मानने का नतीजा नहीं देख रही आप? भाई और करण दोनों गए हैं पिता को बचाने के लिए। रुकिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। मैं जानती हूँ आपको लगता होगा कि मैं आपके पीछे ही पड़ी रहती हूँ, बार बार रोक के आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन एक बार आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए। आप और आपकी फैमिली हमारी फैमिली के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती रहती है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग, कितना फायदा उठाएंगे आप हमारा? हाँ और आप आज तो हद ही हो
के, आज तो हमारे घर के दो बच्चे उस आग में कूद पड़े हैं अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। क्यों, आपकी प्रीता को बचाने के लिए? Isn't that a little too much? झूठ नहीं कहूंगी, पर सच में वो दोनों आगे बढ़कर मेरी प्रीता के लिए आग में कूद गए तो अच्छा ही लगा मुझे। लेकिन लेकिन मैं क्या करती, मैं उन्होंने कहा कि, और उन्होंने अपनी दोस्ती भी निभाई। सच कहती हूँ, एक माँ के दिल से पूछे थे तो हमेशा मेरे मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती। इतने अच्छे बच्चे हैं आपके परिवार के। अरे क्या करेंगे आपकी दुआओं का? हाँ, अगर आज उन दोनों को कुछ हो गया तो उनमें से एक की किसी की जान चल जाएगी। ऐसे गंदे शब्द मुंह से मत निकालिए। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और मेरा भगवान जानता है। मेरी दुआएं उनके साथ, भगवान का हाथ उन पे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और अब तो ये भी आ गया फायर ब्रिगेड वाले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कितनी दुआएं देंगे आप अपनी? क्या गारंटी है आपकी दुआओं का? मैं तो बस यही समझती हूँ कि आप बहुत ही सेल्फिश है। आपको और कुछ नहीं पड़ी हुई, बस आपको प्रीता को बचाना है। दिखाई नहीं दे रहा आपको कैसे आपकी बेटी ने हमारे घर के दोनों बच्चों को मजबूर कर दिया? आज उस पायों में कूद पड़े हैं दोनों। दो टके की लड़की ने जरूर काला जादू किया मेरे बच्चों पे। दीदी, आपके मुंह से ऐसी मनहूस बातें अच्छी नहीं लगती। मैं विनती करती हूँ, भगवान के लिए चुप हो जाइए। भाभी आप चुप हो जाइए, आप जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती है ना, इसलिए ऐसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। और मनुष मेरी बातें नहीं, मनुष्य ये लोग और इनका ये हॉल है। यहाँ जब देखो एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। क्या लूथरा ने ठेका ले रखा है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का? और आज तो हमारे बच्चों पे बनाई है। मनुष्य हम नहीं, हमारी बातें नहीं, मनुष्य ये इनका हॉल और इनकी बेटी है। कोई भी गाली देनी है और बुरा कहना है तो मुझे कहिए। मेरी इस रोजी रोटी, इस कुमकुम पा के मैरिज हॉल को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप इस, क्योंकि आप इसकी मेहमान हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप लूथरा परिवार से हैं और हमारी मेहमान हैं। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा गुरूर। अगर आपने उसको कुछ भी कहा ना तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए, मैं आपको छोड़ूंगी ना। आ गई अपनी औकात पे, देखा भाभी कैसे जहर उगल रही है ये। दीदी इसमें सरला जी का क्या कसूर? मजबूर भी तो आप ही ने किया ना। भाभी आप भी कम ऑन, यहाँ तो बात ही करनी बेकार है। सरला जी बस इतनी दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे सलामत रहे, उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो लगता है कि हमारा सारा खेल बर्बाद हो गया। ये जो सरला, जो लोगों को तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी, वो तुम्हें कितना सुना गई। अब तो सरला की बातों से साफ साफ लगता है कि उसे इस रिश्ते में बिल्कुल भरोसा नहीं है। बेबी तुम टेंशन मत लो। ऋषभ क्या हुआ बेटा? ऋषभ आके खोलो। बोलता क्यों नहीं तू कारण? बोल बेटा। प्रीता, प्रीता क्या ये जिंदा है? कर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। और हम आपसे नफरत करते हैं। हम आप जैसे इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। और आप हमारी जिंदगी में दखल कभी मत देना। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए ने। दौरिया जी चलिए आप, यू आर अंडर अरेस्ट। इतने सालों बाद ही सही अर्जुन के रूप में मुझे आदि मिला है, और इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें कहीं भेज दूं कि हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए, जानवी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम अपने अतीत का सामना इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम डरती हो कि तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाए। तुमने जो कुछ किया है ना निशा, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और वो काम मैं खुद करूँगी। आपके प्यार और आपके साथ ने हमेशा हमेशा रहा है। दीजिए हमारा साथ और देखिए शनिवार 1 घंटे का धमाकेदार एपिसोड 25 नवंबर 8 बजे से 9 बजे तक। आपकी चहेती भांजी के लिए एक छोटी सी भेंट भेज रही हूँ। जिंदगी में जो कांटे रुपे थे अब वो चुभने के लिए तैयार हैं। जल्द ही मिलेंगे आपकी भांजी की सबसे प्रिय दुश्मन। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं।
तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? उल्लू? यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद ना कर मुझे बाहर उठाओगी। हाँ, क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉक स्टार। आप मुझे ये बताइए, जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको? झटका तो तुम्हें लगा है मुझे तैयार देख कर। हे, 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 हे। जिंदगी भर बहुत कुछ छीना है मुझसे राठौड़ परिवार ने। हमारा बेटा प्रेम चुरा लूंगी मैं तुमसे। ये हवाएं, ये बिजली, ये सब इशारा है उस ऊपर वाले के गुस्से का।